पसरदे पश्चियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को अब खुद संभालो, खुद संभालो। आने दो उसके बाप को, आज उसके बाप से दो दो हाथ करके रहूंगा। आज फैसला होगा और यहीं पर होगा। खबरदार शाली, दुकान बंद करके भागने सोच भी मत। अंदर बैठा रहे जब तक तेरा बाप नहीं आ जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग मुझसे ज्यादती करो। अबे आराम से बैठो रे अंदर, वरना आज तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पाकों से मारेगा तू हमें, मार्केट बंद करवा जा हमारी। मैं तू क्या हुआ भाई? क्या बात है? खैर तो ये शोर क्यों मच रहा है? शोर कर रहे? खुला छोर रखा है चाचा तुमने अपने लड़के को। इस मार्केट में औरत जात का आना मुश्किल हो गया। आज इसने फिर गफूर पेंटर की लड़की को छेड़ा है। क्या? अबे छेड़ा है, पूरी बात क्यों नहीं बताता? घसीट के दुकान के अंदर लेके जा रहा था। क्या? वो तो शुक्र है खुदा का हम यहाँ मौजूद थे, वरना शामी झूठ बोलते हैं भाई। शामी मैंने तुझे थप्पड़ मारे, मैंने तुझे जूते मारे, मैंने तुझे चप्पलें मारी, अब मैं तुझे छुरी मारूंगा। पाकिस्तान है, इसके चार सूबे हैं, पंजाब, सरहद। पाकिस्तान हमारा पड़ाकू, वो ऐसा नहीं पढ़ सकता तू। वैसे ये मशीन की आवाज कम है जो तू चिल्ला चिल्ला कर दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा है। अम्मा, अरे अम्मा, कि अभी सीना लाजमी है, सुबह नहीं सी सकती? इस मशीन की आवाज से मेरा दिमाग फटने लगता है। मशीन चलती है तो घर चलता है मेरे भाई, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तू चुप कर, समझी? करती है। देख नौशे, मैंने तुझसे कितनी दफा कहा है कि बहन के साथ इस लहजे में बात ना किया कर। तुम भी हमेशा मुझे ही डांटती रहना। उसे कुछ मत कहना जो मुझसे बदतमीजी कर रही है। तो अलग बात कह दी उसने? ऐसी क्या बात कह दी? यही तो कह रही है कि अगर मशीन ना चले तो इस घर में फाके पड़ जाएंगे। कोई आया है देख तो। इस वक्त कौन आ सकता है? तुम ही जाके देख लो। पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा वतन है। चुप कर। कौन है? अरे मैं हूँ नियाज। अच्छा। मैं तो समझा सबके सब सो गए। नहीं नहीं, वो कल रात को नौशे को बहुत तकलीफ थी ना, तो इसलिए सिलाई भी नहीं हो सकी और सो भी नहीं सके, तो इसलिए मैंने सोचा आज सिलाई का सारा काम कर लूँ जब तक हिम्मत हो सके, तो इसीलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। हाँ तो मैं भी नौशे को देखने आया हूँ, कैसा है वो देखूँ जरा? वो तो गोली खा के सो गया, रात को भी सो नहीं सका था ना, दिन में भी नींद नहीं आई, तो बस अब कहीं जाके सोया। अरे तो मैं कौन सा जगाऊंगा उसे? मैं तो ये देखने के लिए आया हूँ कि कहीं चोट ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। हाँ, तो और क्या, तुम क्या उठे कदमों वापस जाओगे? आओ ना, आओ। बैठो। आ, 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 आ,
तुम आराम से बैठो, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है, कपड़े सूख ही नहीं रहे। आ रही हूँ भाई। शामी दरवाजा तोड़ेगा क्या तू? भाई आ रही हूँ कह रही हूँ ना। अरे आप ईशा पढ़े बगैर ही वापस आ गए क्या? हाँ फिरदौसी बेगम, आज ईशा घर पे पढ़कर कुछ अमल भी करना है। क्या तावीज गंडे शुरू कर दिए हैं? बस यही समझ लो, आज अमल करके गंडे के बजाय ये डंडा तैयार करना है और इस डंडे से उस शैतान की औलाद को जहन्नम रसीद करना है। ए मेरे अल्लाह तू मुझे माफ करना। खैर से है तो ये मेरे शौहर, इनके और इनके खानदान के बारे में कोई बुरी बात मुंह से निकालने का मतलब है ये कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैं क्या करूँ, ये तो खुद अपने आप को शैतान कह रहे हैं। ये तुम किसके बारे में कह रही हो? तुम्हारे बारे में और किसके बारे में? यानी ये मैं हूँ जो कुछ तुम कह रही हो? देखो फिरदौस बेगम, शौहर मजाजी खुदा होता है और उसकी तौहीन करने वाली बीवी मरने के बाद जहन्नम में जाती है। आए हाय मैं कुर्बान मेरे सर के ताज, ये तुम क्या मुझे दोजख से डरा रहे हो? अब कौन सा मैं जन्नत में रह रही हूँ? और देखो वो जो जुमले तुमने दोहराए ना, वही मैंने कहे हैं, मैंने खुद से कुछ नहीं कहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम अपनी औलाद को शैतान की औलाद कहोगे तो फिर तुम क्या हुए? बस खामोश रहो, बहुत हो गया। देखो फिरदौस बेगम, तुम ये गौर करो कि उसने मुझे कितना तंग किया है कि मैं अपने आप को कोसने लगाऊं। जरा गौर करो, जब से वो जवान हुआ है उसने हमारी जिंदगी अजीर्ण कर दी है, बदनाम कर दिया है हमें। या अल्लाह, पता नहीं किस गुनाह की मुझे सजा मिली है, लेकिन अब तुम देखना मेरा अमल और इस डंडे की करामात तुम देखना। और अब तुम अंदर जाओ। काम हो गए हो क्या? खबरदार, जो बैठो अंदर चल के, चलो अंदर जाओ। खबरदार मुंह से कुछ कहा। अरे अरे होश में तो हो तुम, क्या कर रहे हो? क्या करता हूँ मैं? जने क्या हो गया शामी के अब्बा को तो? चुप। अरे क्या कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? शामी के अब्बा देखो देखो, शामी को कुछ मत कहना अगर वो आए तो। मैं कह रहा हूँ चुप। मुसीबत। काटना जा रही है। अरे मेरा नाम भी नया है, कहाँ तक छपागी इसका? एक न एक दिन तो इसे न्यास के घर ही जाना है। अरे मैं तो तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा रजिया बेगम कि तुम खुद सुल्ताना को मेरे पल्लू से बांध दोगे। अब मैं आखिर वो हूं जो लोगों की मजबूरियां कौड़ियों के दाम में खरीदता है। देख वो तुझे देखने के लिए अंदर आना चाहता है, तू ऐसे बन जाना जैसे तू सो रहा है, ठीक है? आंखें बंद कर। सुल्ताना वो अंदर आए ना, तू अंदर चली जाइयो, ठीक है? तुम कहाँ चली सुल्ताना? चाय वाय नहीं पिलाओगी आज? वैसे खतरे वाली बात है कोई नहीं, अगर गहरी चोट हो ना
तो सूजन हो जाती है। ना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे, अबे 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 गाड़ियों की मुरम्मत करते करते टक्करें मारनी शुरू कर दी। चल सो जा, 3-4 दिन में सेट हो जाएगा। चल सो जा। जो हल्दी होती है ना, हल्दी बड़े काम की चीज होती है। अंदरूनी चोट लग जाए ना, दूध में डाल के पिलाते हैं। और वैसे दुल्हन और दूल्हा को भी मली जाती है। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अम्मा, 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 ये बावर्ची खाने में तुम क्या कर रही हो? दरवाजा भी खुला हुआ था बाहर, आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? अच्छा, मेरे लिए खाना बना रही हो? जल्दी से दे दो। अब्बा, अब्बा, अब्बा तो अभी ईशा पढ़ के भी नहीं आया होगा। ऐसा मैंने बेवकूफ बनाया ना उनको, मजा आ गया। ये बताओ कि ये कैसी रही? अब्बा, अम्मा, कैसी रही माधु? मुझे बेवकूफ बना, बेवकूफ बना था। मुझे उल्लू समझता है। गधे के बच्चे, कभी गधे के बच्चे, बेवकूफ कहीं का, कभी अरे खामा, मुझे भी झिड़के लाओ, बस कह दिया मैंने। अच्छा, हाँ छापा नहीं हूँ मैं। हाँ शामी घर पे नहीं है, शामी भी नहीं मिला यार। I'm not afraid.
को।